नमस्कार दोस्तों, सोमवार को पुलिस कांस्टेबल के साथ दो बदमाशों ने इस फाइनल घटना को अंजाम दिया, लेकिन पुलिस ने भी अब दोनों बदमाशों को एनकाउंटर के दौरान 3 घंटे के अंदर ही ढेर कर दिया है। बताया जा रहा है कि पूरा मामला वैशाली से है और वैशाली एसपी रवि रंजन ने बताया कि सिपाही के साथ इस बड़ी घटना को अंजाम देने वाले दोनों सिपाहियों को पकड़ लिया गया था। पुलिस दोनों को वाहन से हाजीपुर ले जा रही थी और इसी दौरान धक्का देकर बदमाशों ने गेट खोला और भागने लगे थे, लेकिन पुलिस ने भी इस फाइनल घटना को अंजाम दिया और इसी दौरान ने दोनों बदमाशों को मृत घोषित कर दिया है। दोनों बदमाशों की पहचान बिट्टू कुमार और सत्य प्रकाश के रूप में कर ली गई है, जो गया जिले के रहने वाले थे। दोनों अपराधी बैंक से लेकर निकले एक कस्टमर से लूटपाट कर रहे थे और बचाने आए सिपाही के साथ इस फाइन वाली घटना को अंजाम दिया, जिसके दौरान सिपाही अमित बच्चन 38 वर्ष को मृत घोषित कर दिया। यह वारदात है जो सराय थाना क्षेत्र की है और इस घटना के दौरान सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें बदमाश बताया जा रहा है कि भागते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी दौरान फाइन वाली घटना के दौरान अमिताभ बच्चन को मृत घोषित कर दिया गया था। वीडियो में साफ दिख रहा है कि दोनों बदमाश भागते दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस महकमे में बताया जा रहा है कि गम का माहौल है। इस घटना के सूचने के बाद पूरे परिवार सहित पूरे गांव में भी गम का माहौल है। सो दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट में अपनी राय जरूर दें।